अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं होशांग गोबल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। रामू तू पास हो गया, मैं फेल हो गया मोहन, मैं फेल हो गया। पास तो तू हुआ है, मुझे माफ कर दे भाई, कैसी बातें करता है पागल, मैं कैसे भी तुझसे नाराज था। दोस्तों, 1964 में राष्ट्रीय बैनर्स की एक फिल्म आई थी और उसमें दो नए लड़कों को इंट्रोड्यूस किया गया था और उनके नाम थे सुधीर कुमार और सुशील कुमार। ये दो दोस्तों की कहानी थी और दोनों फिल्म में फिजिकली हैंडीकैप थे, एक नाबीना थे और दूसरे पैरों से माजूर थे। फिल्म रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट हो गई और कुछ अरसे के बाद ये खबर आई कि दोनों लड़कों का मर्डर हो गया और इस खबर की सच्चाई आज मैं आपको बताने वाला हूं। फिल्म का नाम था दोस्ती, आई थी 1964 में, म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और इस फिल्म का म्यूजिक सुपर डुपर हिट था। काली मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। अच्छा रामू, तेरे पढ़ाई के लिए कितने पैसे लगेंगे? बहुत, भर्ती होने में ही तो कितने रुपए लग जाएंगे, एडमिशन फी, टर्म फी, ट्यूशन फी, किताबें, कापियां, ये सब मिलाकर 50-60 रुपए तो होंगे। दोस्तों, जिस खबर के बारे में मैंने आपको बताया था, उस खबर के बारे में सुशील जी ने हमें खुद बताया कि वो एक अफवाह थी और सुधीर कुमार की डेथ अर्ली 90s में हुई थी एक लंबी बीमारी के बाद। सुधीर कुमार का असली और पूरा नाम था सुधीर सावंत और वो एक महाराष्ट्रियन थे और उन्होंने कुछ मराठी और हिंदी फिल्मों में भी काम किया था। बस के लिए खड़ी हो? बस स्टैंड पर रेलगाड़ी तो नहीं रुकती। अगर इंजन की नजर तुम पर पड़ जाए तो शायद रुक भी जाए, घर ही जाना है ना, तो फिर आओ बैठ जाओ। बस वालों का नुकसान हो जाएगा, बस इसे आ जाऊं। तो आइए अब हम बात करते हैं उस फिल्म के दूसरे लीड एक्टर की, यानी सुशील कुमार की। 4th जुलाई 1945 में पैदा हुए थे सुशील कुमार कराची में, एक बहुत रईस सिंधी जॉइंट फैमिली में, और उनके फैमिली का बहुत बड़ा ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस था। सुशील जी के पिता का नाम था किशन चंद सुमाया और माँ का नाम था तुलसीबाई और वो एक हाउसवाइफ थी। सुशील जी के एक छोटे भाई हैं और एक छोटी बहन और सुशील जी का पूरा और असली नाम है सुशील सुमाया। सुशील जी जब 2-2.5 साल के थे तो इंडिया का पार्टीशन हुआ और सुशील जी और उनका पूरा परिवार अपना सब कुछ छोड़ के कराची से इंडिया आ गए और इंडिया में वो गुजरात के नवसारी में आके सेटल हो गए और वही अपना फैमिली बिजनेस शुरू कर दिया जो कराची में किया करते थे, यानी ड्राई फ्रूट्स का। लेकिन उनके फैमिली का बिजनेस इतना कामयाब नहीं हो पाया जो कराची में था, उनको बिजनेस में भारी नुकसान होने लगा और पूरा फैमिली कर्जों में दब गया और कुछ साल नवसारी में रहने के बाद 1953 में वो नवसारी से मुंबई आ गए। एक आलीशान घर में रहने वाले सुशील जी मुंबई में एक छोटे से चौल में रहने लगे और उनकी फैमिली की हालत बद से बदतर होने लगी और पूरा फैमिली कर्जे में डूब गया। सुशील जी के पिता, उनके ग्रैंडफादर और उनके अंकल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक एक करके ये दुनिया से चले गए। अब सुशील जी की फैमिली में रह गए थे उनकी माँ, उनकी छोटी बहन और छोटा भाई और हालात इतने ख़राब थे कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। मुझे इस पर एक शेर याद आया, सुनिए। पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। सुशील जी कहते हैं कि मेरी माँ से ये गरीबी बर्दाश्त नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने एक कंपनी में छोटी सी नौकरी कर ली जिससे उनके घर की हालत थोड़ी संभल गई। सुशील जी को बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक था और जब वो चौल में रहते थे तो गणपति फेस्टिवल्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। एक दिन उनके फैमिली फ्रेंड जो फिल्म लाइन में जूनियर आर्टिस्ट थे वो उनके घर पे आए, उनकी माँ से मिले और कहा कि आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, आप चाहें तो मैं इसे चाइल्ड आर्टिस्ट बना सकता हूँ फिल्मों में।
सुशील जी की माँ बहुत खुश हो गई और इसी तरह सुशील जी का फिल्मी सफर शुरू हुआ एज चाइल्ड आर्टिस्ट। उनकी पहली फिल्म थी एक सिंधी फिल्म जो आई थी 1958 में और उस फिल्म का नाम था अबाना। और दोस्तों हम आपको बता दें कि ये फिल्म अबाना अपने वक्त की मशहूर एक्ट्रेस साधना जी की पहली फिल्म थी। इस फिल्म के बाद सुशील जी ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट, जैसे फिर सुबह होगी, काला बाजार, श्रीमान सत्यवादी और संजोग। सच बोलने का इनाम मिला है पिताजी। क्या कह रहे हो? सच कहता हूँ पिताजी। हाँ? किशोर वगैरह क्लास में नकल कर रहे थे। हाँ? और टीचर ने मुझसे पूछा। हाँ? मुझे सच सच बताना पड़ा। हाँ, ठीक है। बस छुट्टी होने के बाद लड़ाई। हाँ? और लड़ाई के बाद ये मार। दोस्तों जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि 1964 में राष्ट्रीय बैनर के ताराचंद बरजाटिया एक फिल्म बना रहे थे और उन्होंने दो नए लड़कों को इंट्रोड्यूस किया था, सुशील कुमार और सुधीर कुमार। फिल्म का नाम था दोस्ती और दोस्ती सुपर डुपर हिट हो गई थी और लोगों को सुधीर कुमार और सुशील कुमार का काम बहुत पसंद आया। दुनिया के लिए मंदे अपाइज की इस काम की मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। तब तो तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा भाई, चाहे मर जाओ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये फिल्म यानी दोस्ती संजय खान की डेब्यू फिल्म थी। ताराचंद बरजाटिया जी ने सुशील कुमार और सुधीर कुमार को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड कर दिया कि 3 साल तक आप कोई भी दूसरे बैनर की फिल्म नहीं करेंगे। उसी दौरान सुधीर कुमार को, जो दोस्ती में नाबीना बने थे, उन्हें एक बहुत बड़े फिल्म की ऑफर आई और उन्होंने राष्ट्रीय का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि ताराचंद बरजाटिया जी बहुत नाखुश हुए और सुधीर कुमार के साथ साथ उन्होंने सुशील कुमार का भी कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। और इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद सुशील कुमार को काम मिलना कम हो गया। फिर भी सुशील कुमार ने कुछ फिल्मों में काम किया लेकिन वो अपने काम से मुतमईन नहीं थे, इसलिए उन्होंने फिल्म लाइन छोड़ दी, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जय हिंद कॉलेज मुंबई में और एयर इंडिया में पर्सन बन गए। और 1971 से 2003 तक वो एयर इंडिया का जॉब करते रहे, यानी फ्लाइट पर्सन का। सुशील जी ने अपनी बचपन की दोस्त से शादी कर ली, उनकी बीवी का नाम था कोशी और उनकी एक बेटी भी है और बेटी का नाम है किरण। लेकिन अफसोस 2016 में उनकी वाइफ यानी कोशी जी ये दुनिया को छोड़ के चली गई। सुशील जी की बेटी यानी किरण की शादी हो चुकी है और वो अमेरिका में अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। सुशील जी आजकल एक अच्छी रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहे हैं, वो कुछ वक्त मुंबई में रहते हैं और ज़्यादातर वक्त अपनी बेटी के साथ अमेरिका में रहते हैं। सुशील जी कहते हैं, मैं एज एन एक्टर वो ऊंचाइयां नहीं छू सका जो फ्लाइट पर्सन बनके मैंने आसमान छू लिया। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।